मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। धनबाद में आईआईटी आईएसएम में बेटियों ने अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। दीक्षांत समारोह में बेटियों ने परचम लहराते हुए टॉप किया है। 43वें दीक्षांत समारोह में बेटियों को मेडल दिया गया, वहीं बेटियों की ओर से बेहतर करने की बात कही गई है। मैंने बीटेक इन मिनरल इंजीनियरिंग करी है यहाँ से। फाइनली हम लोग ग्रेजुएट हो गए, तो हमें अपनी डिग्री दी गई है एंड चीफ गेस्ट वीपी ऑफ इंडिया थे, तो काफ़ी अच्छा प्राउड मोमेंट था। बहुत अच्छा लगा सब दोस्तों से इतने टाइम बाद मिलके। मैं आगरा से हूँ, यूपी से। हाँ, इतने दूर से झारखंड में पढ़ाई करना, अपने फैमिली से दूर रहना, कैसा लगता? शुरू में तो थोड़ा मुश्किल हुआ एडजस्ट होने में, बट फिर धीरे, यहाँ दोस्त इतने अच्छे हैं, इंस्टीट्यूट इतना अच्छा है, सब फुल सपोर्ट रहता है, तो सब मैनेज हो गया और फाइनली अब ग्रेजुएशन हो गई। भविष्य का क्या प्लान है? अभी तो जॉब, मैं जॉब करती हूँ टाटा स्टील में, एंड आगे देखते हैं क्या रहता है, मतलब हायर स्टडीज़ के लिए शायद जाऊँ मैं। यहाँ से रहते हुए प्लेसमेंट? हाँ, यहाँ कैंपस पे ही प्लेसमेंट हुआ था टाटा स्टील में, तो अभी प्रेजेंटली आई एम वर्किंग इन टाटा स्टील। फैकल्टी एंड ऑल से बहुत सपोर्ट मिला है एंड काफ़ी, मतलब जो हम कर पाए बने एंड सब कॉलेज एंड हमारे पेरेंट्स की वजह से ही है। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मेरे को आज सिल्वर मेडल है अपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, सेकंड रैंक, एंड ऑल ओवर गर्ल्स टॉपर का गोल्ड मेडल है। आगे अभी तो जॉब में एंटर कर गए हैं, तो जॉब कर रहे हैं आईटी कंपनी में, मेरे पेरेंट्स को एंड इंस्टीट्यूट को। लाइक यहाँ पे सिलेक्ट होके आना एंड इतना कुछ करना, वही बहुत बड़ी बात है, एंड मोर ओवर अपने पेरेंट्स के लिए कुछ अच्छा कर पाना, दैट इज़ अ वेरी गुड फीलिंग। आज उपराष्ट्रपति महोदय भी आ रहे हैं, उन्हें भी देखने का मौका। हाँ, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड एंड अच्छा लग रहा है, एंड वेरी ग्रेटफुल टू द इंस्टीट्यूट कि वो उन्होंने उनको बुलाया। ये प्राउड मोमेंट है हमारे लिए भी और हमारी पूरी फैमिली के लिए, रियली प्राउड ऑफ हर। लखनऊ से दूर इस झारखंड धनबाद में बेटी को भेज के पढ़ाना कैसा लगता था? हाँ, ये एक सपना था जो पूरा हुआ और आप ये आगे सक्सेसफुल रहे अपनी लाइफ में, दिस इज़ एन अचीवमेंट। अच्छा लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। बेटी के और भी फ्रेंड्स से मिले हैं, उनको क्या आप सीख दिए हैं एक गार्जियन के रूप में? नहीं, ये पेरेंट, ये बच्चे बहुत अच्छे हैं और ये अपने पेरेंट्स की उम्मीदों पे खरे उतर रहे हैं, ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट है। इन्होंने जो हम लोगों ने सोचा था, इन बच्चों ने वही अचीव किया और अपने लक्ष्य को पाया, ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। देखा जाता है कि बेटियों को बहुत से लोग अब जो है पढ़ाना नहीं चाहिए, वही सब फैमिली को आप क्या मैसेज देंगे? बहुत सिंपल है, मतलब ये फ़र्क करना तो बंद करना ही होगा। बेटियाँ मुझे लगता है कि बेटों से ज़्यादा सिंसियर होती हैं और ज़्यादा अफेक्शनेट होती हैं, तो अगर आप इनको थोड़ा भी इनके लिए करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हमेशा खड़ी रहेंगी। गोल्ड मेडलिस्ट हो गए, कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत प्राउड फील हो रहा है बेटी का, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। दुलारी बेटी आपसे बहुत दूर रहती थी लखनऊ से, तो कैसे फिर बातचीत होता था और क्या कुछ सिखाते थे? अपने में इसके अपना बिजी रहती थी, अपनी पढ़ाई में, अपने कामों में, और हम खुश थे इससे कि ये अपने काम में कर रही है और इसने बहुत अच्छा अचीव किया हर तरीके से। इंस्टीट्यूट का भी नाम बहुत अच्छा था और बाकी इसने भी अपना नाम उसमें बहुत अच्छे से लगाया। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।